लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह से रात तक की है, जो आप लोग देखिएगा। मैंने यहाँ पर आज बहुत सारी ढेर सारी बातें भी की हैं आप लोगों से, और न्यू रेसिपी भी बनाई है जो आप लोग देखिएगा। मैंने खुद पहली बार बनाया है, तो आप लोग देखना कि मैंने क्या बनाया। और यहाँ पर छत पर आई हूँ, सुबह का टाइम है, मैं मिर्च तोड़ रही हूँ रेड वाली जो सूख गई है। तो मैंने बोला चलो आज इसको तोड़ लेते हैं, मिक्सी में पीस के। वो दरदरी मिक्स मिर्च रहती है ना, बहुत अच्छी लगती है, ऊपर से डाल के खाते हैं जो, तो वही मैं बनाऊँगी। और यहाँ पर मैं सुबह के टाइम, यानी मेरे यहाँ पर चावल चढ़ चुके थे और दाल मेरी बन चुकी है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, भिंडी प्याज। भिंडी थोड़ी सी थी तो मैंने लिख क्या किया जाए, और एक गिलकी पड़ी थी, मैंने तौराई पड़ी थी, तो सारा कुछ मिला तो एक खट्टा ही मैंने पटक दिया कढ़ाई में। तेल, हल्दी, धनिया और नमक ये सब मिलाकर, और मैंने इस तरीके से सब्ज़ी बनाई। कभी कभी ना ऐसे सिंपल खाने की भी इच्छा होती है। बहुत ही प्यारी सब्ज़ी बनी थी, आप लोग देख सकते हैं। ये है फाइनल लुक, यानी भिंडी की सब्ज़ी का। और अचार, ये मेरा हो रहा है नाश्ता यहाँ पर, क्योंकि खाना बनने में अभी टाइम है। इसको करने के बाद मैं दाल का काम करने लगी थी, क्योंकि मुझे कुछ दाल धोनी थी। तो मैंने बोला चलो धोकर, और मैंने ये धूप में सुखा रही हूँ यहाँ पर, सूखता रहेगा, शाम को एक दो बार हाथ फेर देंगे तो ये सूख जाएगा। ये है चने की दाल। तो मैं ये दाल सुखाने के बाद फिर, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा आलस तो आता है मुझे, तो मैं अब इसको यानी खाना बनाऊंगी। खाना बनाने के बाद इन लोगों को दूंगी, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं अभी काम करके सारा फ्री हुई हूँ, और ये सुपर दिख रहा है क्योंकि अभी दाल वाल का काम ही कर रहे थे। और मैं अभी ना रोटी सेक ली है मैंने, और दलिया बना लिया है, सब्जी अभी दाल भिंगो की रखी है। तो आज दाल पीस के, जो चने की दाल है उसको पीस के मैं उसके ना छोटे छोटे सेव या भजिए तोड़ के ग्रेवी तैयार करके, और उबलते जो ग्रेवी रहेगी उबलती हुई, उसमें मैं वही भजिया तोड़ूँगी, और बहुत अच्छी लगती है वो सब्ज़ी। मिक्स करके बनाऊँगी, पहली बार बना रही हूँ, देखती हूँ कैसी बनती है। और मैं अभी करने वाली हूँ दो चोटी, क्योंकि मेरा मन बहुत देर से कर रहा था, मैंने बोला चलो अब कर लेते हैं। शाम का करीब 5 बज रहा है, तो अभी मैं करती हूँ दो चोटी, देखते हैं कैसे लगते हैं दो चोटी में। चलो ये लगा लो, देख ली तो अच्छा लगेगा। तो मैंने बाल सुलझा लिए हैं, उलझे हुए रखे थे, तो ये देखिए बाल सुलझ गए हैं। अब करते हैं दो चोटी। सिर्फ क्लिप मिलेगी, हाँ क्लिप मिलेगी, क्लिप दो, ऐसे ही मांग, ठीक है, इससे नहीं निकलती ना। दो दो दो, पर मैं ऐसे लगा रही हूँ क्लिप। थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत दिनों बात कर रही हूँ, पता है मैंने स्कूल टाइम से छोड़ दी है, तब से मैंने आज तक छोटी नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था लोग हंसेंगे दो छोटी करने में, पर आज आप लोगों के लिए करना पड़ रहा है। आप हंसो या फिर गुस्सा हो मुझे नहीं पता, पर मैं कर रही हूँ ये काम। और मैं अब निकाल रही हूँ पीछे से जो मांग का ट्रिक है, तो वो मैं कैसे निकालती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ बीच की मांग, जो कि मैं स्कूल टाइम ऐसे ही निकालती थी, क्योंकि मम्मी ने बहुत यानी कम करती थी वो चोटी, क्योंकि उनको भी काम रहता था। पापा सुबह सुबह ड्यूटी जाते थे, आप लोगों को पता ही, मेरे पापा MES में थे, तो मैं खुद ही कर लेती थी चोटी, तो इस तरीके से मैं करती थी।
तो यहाँ पर मेरी दो चोटियाँ हो चुकी हैं, तो आप लोग बताना कि कैसी लग रही दो चोटियाँ। और यहाँ पर शाम का समय आप लोगों को पता ही है, और मेरा ना आजकल मन नहीं करता है, यानी क्या बोलूँ अब, क्योंकि वीडियो में इतना व्यूज़ भी नहीं आ रहा है और वॉच टाइम भी नहीं बढ़ रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वीडियो डालूं कि नहीं डालूं। इतनी मेहनत से बनाते हैं और कई लोग फुल वॉच नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और यही एक मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला था कि मैं यहाँ पर कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ करना था, कुछ अपना नाम रोशन कर। तो फ्रेंड्स, मैंने दो चोटी अपनी मिटा दी और मैं यहाँ पर बना रही हूँ वही जो आज पहली बार बना रही हूँ वाली सब्ज़ी। तो प्याज लहसुन ये सब चीज़ों का छौंक लगाकर, और ये जो मैंने पीस के रखा आप लोगों को दिखा दूँ, मैं ये जो पीस के रखी हूँ चने की दाल को भिंगो दिया था और अभी मैंने आपके सामने पीसा है, तो इसको पीस के, और मैं जो पानी जो रहेगा ना ग्रेवी वो पक जाएगी, उसको खोलते हुए मैं इसको ना मैं भजिया तोड़ूंगी छोटे छोटे। तो मैं ये सब्जी बना रही हूँ और मैं दो चीटी करके कभी रहती नहीं हूँ ना, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैंने मिटा दी। और मालूम उसी एकदम से मम्मी भी आ गई थी, तो थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा था, जो दो चोटी की थी मैंने, तो मम्मी देख के हंस रही थी कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने बताया मम्मी थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी, मैं बना रही थी। और यहाँ पर मैं काट रही हूँ प्याज लहसुन, प्याज मेरी कट चुकी है, लहसुन काट रही हूँ। और आप लोगों से मैंने बिल्कुल बात नहीं की थी, तो मैंने चलो अब बातें कर लेते हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट में डेली वीडियो आ रही है, बट इतना अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, जो आप लोग हो वही देखते हो, अदर कोई तक जा ही नहीं पा रही है मेरी वीडियो, थोड़ा सा दुख हो रहा है। इतनी मेहनत करो और आप लोग बस देख रहे हो, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद, जो कि मैं हर वीडियो पर आप लोगों को बोल रही हूँ अभी 4-5 दिन से। और ये वीडियो कब जाएगी मुझे नहीं पता है, बस मैं तैयारी करते जा रही हूँ। दो चोटी का मैंने पूछा था तो बहुत लोगों ने बोला हाँ हाँ आप कीजिए दो चोटी, तो मैंने तभी की। और हैवी ऑयलिंग का बोला था मैंने कि मैं हैवी ऑयलिंग करके 2 ब्रेड्स करूँगी, यानी दो चोटियाँ करूँगी, पर मैंने ऑयलिंग नहीं की क्योंकि टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा सा काम अपना छोड़कर मैंने दो छोटी की फटाक से, उतने में ही मम्मी आ गई और श्रेया मुझे खींच कर ले गई कि दादी को बताओ। फिर मैं दाल धोने चली गई, दाल धोने के बाद थोड़े से कपड़े थे वो धोए, अब आ गई हूँ मुझे सब्जी, क्योंकि रोटी दलिया मेरा पहला बन चुका था, अब मैं सब्जी बना रही हूँ, सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। सारा काम तो हो चुका है शाम का, और लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर एक ही बल्ब है, और इतने अच्छे से सिर्फ रात में बहुत कम शूट करती हूँ, अच्छे से फेस नहीं दिखता है, नहीं तो जाओ तो बल्ब के पास खड़े हो तो लाइटिंग पूरे मुंह में आए और चेहरा अच्छे से दिखता है, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग ऐसे एडजस्ट करो देखते हैं, और इसलिए मैं रात में ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ, पता है। श्रेया शाम का समय है, नहाने गई है, दो टाइम नहाती है वो, शाम को भी और सुबह भी। तो मेरा ये कट चुका है, सोच रही हूँ मसाला पीस के बनाऊँ या फिर आज काट के ही बनाती हूँ, मसाला पीस के नहीं बना रही हूँ, मेरी इच्छा नहीं हुई बिल्कुल भी। सॉरी, जब मैं तुअर की दाल कर रही थी तो लोग बोल रहे थे कि आप चने की दाल कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुअर की दाल कर रही थी, जो भी लोग पूछ रहे थे अगर वो देख रहे हो तो उनको पता चल जाएगा। और फिर मैंने दूसरे दिन करी है चने की दाल, जो कि अभी बारी बारी से सारे काम होते जा रहे हैं हमारे, क्या कर सकते हैं, जो करूँगी वही तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी तो अनाज की साफ़ सफाई हो रही है, जो कि हम लोगों को स्टोर करके रखना है, हम किसानों को ऐसा ही रहता है। और अब बनाते हैं खाना जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, तो जीरा भी डाल दिया है, जीरा डालने के बाद हींग डाल दिया, हींग से खुशबू बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर मैंने प्याज भी ऐड कर दिया और लहसुन भी था कटा, टमाटर भी ऐड कर दिया है, ये सारा कुछ मैं भून लूँगी, भूनने के बाद मसाले ऐड करूँगी। और शाम का समय था तो दाल बनाई फिर से मैंने, तो ये गैस थोड़ा सा हो गया है तो माइंड मत करिएगा, क्योंकि खाना बनाते समय तो चूल्हा भिड़ता ही है। यहाँ पर मैंने मसाले ऐड करने के बाद इसमें भी मसाले ऐड कर दे रही हूँ, जो कि मैं ये बनाऊँगी। खाना बनाते समय तो थोड़ा बहुत जगह ख़राब हो ही जाती है, जो कि हम बाद में समेटते हैं,
तो यहाँ पर इसमें भी मैं हींग, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च, नमक ये सारा कुछ ऐड करके उसको पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है, पानी डालने के बाद इसको खोलने का इंतज़ार करेंगे। और इसमें मैं नमक भी डाल दूँगी। नमक डालने के बाद बरी छोड़ दूँगी, जो ये बरियाँ बनाई है चने की दाल का पेस्ट यानी बैटर तैयार किया, तो उसमें बरियाँ। तो ये फाइनल लुक है मेरी सब्जी का। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ मुझे बताना।